नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठचर्या में अंकित मार्किंग एवं मार्किंग टूल पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। मार्किंग, जब किसी जॉब को बनाया जाता है तो उस पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करनी पड़ती है। की हुई मार्किंग के अनुसार कारीगर जॉब को तैयार करता है। इस प्रकार जॉब बनाने से पहले उस पर मार्किंग करने की प्रक्रिया को मार्किंग आउट कहते हैं। मार्किंग के उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ मार्किंग। मार्किंग की हुई लाइनें जॉब बनाते समय कारीगर का पथ प्रदर्शन करती हैं, जिससे वह जॉब को सही माप में बना सकता है। दूसरा पर्पज क्या है मार्किंग का, मार्किंग करने से कारीगर को यह पता लग जाता है कि जॉब का सही आकार बनाने के लिए फाइलिंग या मशीनिंग के द्वारा धातु की कितनी मात्रा काटनी है। अतः मार्किंग का मेन उद्देश्य क्या है, किसी भी जॉब को अगर आपको फिनिश्ड बनाना है तो उस पर उस शेप और साइज में लेने के लिए मार्किंग करना बहुत ही आवश्यक है। मार्किंग टूल्स, मार्किंग टूल्स में आपका पहला टूल्स जो है वो क्या है, स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर एक तेज धार वाला औजार है जिसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है। BIS के अनुसार 125 से 200 मिलीमीटर की लंबाई में पाया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि स्क्राइबर का पॉइंट कितने डिग्री के कोण में ग्राइंड किया होता है, तो आपको याद रखना है कि 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है। बात करते हैं मटेरियल की, इसके मटेरियल का मतलब किस धातु का बना होता है ये। तो स्क्राइबर प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसका पॉइंट हार्ड व टेम्पर किया होता है, हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। स्क्राइबर के प्रकार, कितने प्रकार का स्क्राइबर होता है, मतलब टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। पहला जो है आपका क्या होता है, स्ट्रेट स्क्राइबर, जैसा कि आपकी पिक्चर में दिख रहा है बगल में। इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व नुकीला होता है, एक सिरा सीधा व नुकीला होता है और इसकी बॉडी प्लेन या नर्लिंग की हुई होती है। इसका प्रयोग साधारण मार्किंग करते समय लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। ये जो आपका बना हुआ है ये साइड में, ये क्या है आपका, स्ट्रेट स्क्राइबर है। दूसरा आपका क्या है स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहां पर ये वाला सिरा जो है सीधा है और दूसरे सिरे पर 90 डिग्री के कोण में मुड़कर नुकीला कर दिया जाता है। जैसे ये वाला सिरा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको कितने 90 डिग्री में कोण में मोड़ दिया जाता है और ये शार्प मतलब नुकीला रहता है एकदम। इसके सीधे सिरे का प्रयोग साधारण लाइनें खींचने के लिए किया जाता है और मुड़े हुए सिरे का प्रयोग छोटे छोटे मापों की लाइनें खींचने, जैसे 1 mm, 1.5 mm इत्यादि, तथा बेलनाकार खोखले जॉब
की अंदरूनी सतह मतलब इंटरनल सरफेस, जो आपका सिलिंड्रिकल कोई बॉडी होती है उसकी इंटरनल सरफेस पर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। आपके स्क्राइबर के प्रकार में तीसरा आपका क्या है, तीसरा स्क्राइबर आपका क्या है, ये ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है जिससे शुद्धता में मार्किंग की जा सकती है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये आपका क्या है, ऑफसेट स्क्राइबर है। इस कौन सा स्क्राइबर कहेंगे इसको, ये ऑफसेट स्क्राइबर है। ये वर्नियर हाइट गेज में मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है जिससे हाई एक्यूरेसी में क्या की जा सकती है, मार्किंग की जा सकती है। अगला आपका टूल्स कौन सा है, डिवाइडर। डिवाइडर का क्या काम होता है, डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिनके सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये सिरे आपको यहाँ दिख रहे हैं पिक्चर में, ये कैसे हैं, एकदम नुकीले बनाए गए हैं। ये प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इनके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है किस मटेरियल का बना होता है, तो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है, इसे माइल्ड स्टील से भी बनाया जा सकता है और पॉइंट को केस हार्ड किया जा सकता है, मतलब जरूरत पड़ने पर इसको हम माइल्ड स्टील का भी बना सकते हैं और इसको केस हार्ड कर सकते हैं। अगला आपका क्या है, डिवाइडर के प्रयोग मतलब यूजेस ऑफ डिवाइडर। अभी हमने डिवाइडर पढ़ा, डिवाइडर में यूजेस डिवाइडर के क्या है, किसी जॉब की सरफेस पर चाप या वृत्त खींचने के लिए, मतलब किसी जॉब की जो सरफेस होती है उस पर चाप मतलब आर्क या वृत्त या सर्किल खींचने के लिए किया जाता है। किसी जॉब की सरफेस पर खींची हुई लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। स्टील रूल से माप को जॉब पर स्थानांतरण करने के लिए भी किया जा सकता है। तो अगर एक हिसाब से देखें तो ये जॉब माप को क्या होता है, स्थानांतरण कर सकता है, मतलब ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का भी पार्ट है। अगला आपका क्या है, ट्रेमल। इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चॉप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। मतलब ट्रेमल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बड़े साइज के वृत्त या चाप मतलब बड़े साइज के आर्क या सर्किल को बनाना है तो उसकी मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि उस साइड में आपको फिगर में दिख रहा है कैसे यूज किया जा रहा है इसको आर्क बनाने के लिए। अगला पॉइंट है इसका, ये 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं, मतलब इसका साइज कहां से कहां तक पाया जाता है, तो 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। ट्रेमल के स्क्राइबर, जो ट्रेमल ये है इसमें जो स्क्राइबर ये लगे हुए हैं आपको फिगर में दिख रहे हैं, ये तेज धार वाले होने चाहिए। तेज धार वाले होंगे तो आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी जो मार्किंग की होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। ट्रेमल को जंग से बचाने के लिए मतलब कोरोजन से बचाने के लिए इसको टाइम टू टाइम समय समय पर तेल या ग्रीस लगा देना चाहिए जिससे ये क्या रहेगा, कोरोजन से बचा रहेगा। अगली आपकी क्या है, पंच। मार्किंग टूल में अगला क्या है, पंच। पंच का क्या काम होता है, मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे पंच कहते हैं। ड्रिलिंग से पहले पंच करना अति आवश्यक होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो अष्टभुजाकार की होती है और उसको बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया जाता है। ये प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं
और इनके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। तो ये मटेरियल क्या हुआ इसका, हाई कार्बन स्टील, क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में किस मटेरियल का बना होता है पंच, तो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पंच के पॉइंट की हार्डनेस क्या होती है, पंच के पॉइंट की हार्डनेस आपकी 55 से 59 HRC होती है, ये ऑप्शन में आता है लिख के, तो आपको याद रखना है 55 से 59 HRC होगी पंच के पॉइंट की हार्डनेस। पंच कई प्रकार के होते हैं, तरह तरह के होते हैं, इसलिए आप अगला क्या है आपका, पंच के प्रकार, टाइप्स ऑफ पंच में पहला आपका क्या है, डॉट पंच। इस प्रकार के पंच के पॉइंट को 60 डिग्री के कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है, मतलब ये जो आपका पंच है, ये जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये एंगल आपका कितना है फिगर में दिख रहा है एरो से, ये पॉइंट है और इस पॉइंट का ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इसका प्रयोग मार्किंग के पश्चात लाइनों पर डॉट लगाकर उन्हें स्थाई मतलब परमानेंट करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारी की हुई जो मार्किंग है वो मिट जाए, तो हमें डॉट के जरिए पता चलता रहे कहाँ पे हमने मार्किंग की गई थी, मतलब एक हिसाब से मार्किंग को स्थाई करने के लिए डॉट पंच का हम प्रयोग करते हैं। ये आपका पंच, डॉट पंच दिख रहा है फिगर में, ये ऊपर का सिरा ये हेड कहलाता है, बीच में जो है ये आपकी क्या है बॉडी है, और यहाँ पे ये क्या है पॉइंट है। पंच के प्रकार में अगला आपका कौन सा है, सेंटर पंच है। सेंटर पंच ये कास्ट स्टील का बना होता है, पूछा जाता है किसका बना होता है सेंटर पंच, तो सेंटर पंच कास्ट स्टील का बना होता है। इसके पॉइंट को 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका जो पॉइंट होता है, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये जो एंगल है ये कितना है आपका 90 डिग्री, मतलब सेंटर पंच के पॉइंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इसका मुख्य प्रयोग ड्रिल होल करने के लिए तथा सेंटर पॉइंट की पंचिंग करने के लिए किया जाता है। ड्रिल होल करना है तो उसके लिए मार्क करना है तो किससे करेंगे, सेंटर पंच से करेंगे, और सेंटर पॉइंट की पंचिंग के लिए सेंटर पंच से करेंगे। अगला आपका कौन सा है, प्रिक पंच। प्रिक पंच क्या है, इसके पॉइंट को कितने डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है, तो 30 डिग्री में कोण को ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका मतलब प्रिक पंच के पॉइंट का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका प्रयोग प्रायः नरम धातु के जॉब पर की हुई मार्किंग की लाइनों को डॉट लगाकर स्थाई करने के लिए किया जाता है, जैसे तांबा, पीतल और एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट मेटल्स हैं तो उस पर पंचिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रिक पंच का यूज करेंगे। अगला क्या है इसमें पॉइंट, प्रिक पंच का उपयोग शीट मेटल शॉप में होता है, मतलब इसका यूज जो होता है अधिकतर किसमें होता है, शीट मेटल शॉप में होता है। तो आपको याद रखना है इसमें जो मैंने प्रिक पंच का जो एंगल है वो पॉइंट एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का होता है, और किसमें यह सहायक रहता है, तो सॉफ्ट मेटल के मार्किंग करने के लिए सहायक रहता है। अब अगला आपका क्या है, सरफेस गेज। सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके साथ दो सिरों वाला स्क्राइबर लगा रहता है। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। इससे समझ सकते हैं, जैसे हमने अभी से पहले किसकी बेंट स्क्राइबर की बात की थी, यह एक प्रकार का मार्किंग व चेकिंग टूल है। मार्किंग टूल भी है और चेकिंग टूल है आपका जो सरफेस गेज है। सरफेस गेज का कार्य क्या होता है, किसी किनारे के समांतर लाइन खींचना, मतलब कोई साइड है उसके पैरेलल आप लाइन खींच सकते हैं, किसी सतह के समांतर लाइन खींचना, सरफेस के समांतर लाइन खींच सकते हैं, और किसी जॉब को फोर्जा चक पर सेंटर करना। फोर्जा चक पर सेंटर करना मतलब लेथ मशीन में जो फोर्जा चक होता है उस पर सेंटर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, सरफेस गेज का। तो देखते हैं सरफेस गेज की पिक्चर को कैसे बना है। ये आपका जो फिगर है ये क्या है, सरफेस गेज है।
ये जो है आपका, ये क्या है, बेंट स्क्राइबर लगा हुआ है जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। ये जिसके सहारे रुका है किससे, क्लैंपिंग नट से ये टाइट किया रहता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, स्पिंडल है। नीचे आपका क्या है, ये बेस है आपका। ये बेस में क्या है, ये आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा फाइन एडजस्ट कर सकते हैं। इस जो फिगर में एरो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, रॉकर आर्म कहते हैं। और यहाँ पे ये जो पिन लगी हुई है इनको क्या कहते हैं, गाइड पिन कहते हैं। ये बहुत मदद करती है आपको गाइड करने के लिए। तो ये जो आप बना हुआ है क्या है आपका, सरफेस गेज है। इसका वर्कशॉप में हम मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं, लेथ मशीन पर सेंटर सेट करने के लिए भी यूज करते हैं। अगला आपका क्या है, एंगल प्लेट। एंगल प्लेट ये जो आपको फिगर में यहां दिख रही है, ये एंगल प्लेट, प्लेट एंगल प्लेट जो होती है वो 90 डिग्री के कोण में और कास्ट आयरन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने एंगल प्लेट, कितने एंगल पे होती है, तो 90 डिग्री पे होती है। और किस मटेरियल की बनी होती है, तो कास्ट आयरन की बनी होती है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं कैसी होती है एंगल प्लेट। इसका अधिकतर प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए और क्लैंप करने के लिए किया जाता है। मतलब मार्किंग करते समय जिस जॉब पे हमको मार्किंग करनी है उसको सहारा देना है, तो हम किससे दे लेते हैं, एंगल प्लेट से दे लेते हैं। एंगल प्लेट में रेक्टेंगुलर ग्रुप्स बने होते हैं, मतलब आयताकार ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये बना हुआ है ग्रुप्स, ये ग्रुप्स बने हुए हैं आपके रेक्टेंगुलर शेप के, जिसका प्रयोग, ग्रुप्स जो बने उनका प्रयोग बोल्ट की सहायता से जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारी जॉब हिलने डुलने नहीं पाती और मार्किंग अच्छी होती है, हाई एक्यूरेसी में हो जाती है। एंगल प्लेट प्रायः क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या स्टील से बनाई जाती है। कुछ मटेरियल क्या होगा इसका, मतलब एंगल प्लेट का क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से भी बनाई जा सकती है या स्टील से भी बनाई जा सकती है एंगल प्लेट। अगला देखते हैं, अगला आपका है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट ही क्या होती है, हमारे जैसे वर्कशॉप होती है उसमें रखी रहती है। ये जैसे फिगर में आपको दिख रहा है, ये प्रायः वर्गाकार या आयताकार, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की बनी होती है। जैसे फिगर में आपको दिख रहा है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की बनाई जाती है, मतलब इनके जो कॉर्नर होंगे वो कितने पर होंगे, 90 डिग्री पर रहते हैं। इसका प्रयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए करते हैं। सरफेस जो जॉब की है वो बराबर है कि नहीं, इस पे रखकर हमको पता चल सकता है कि क्या उसमें बराबर है या नहीं है। अगला पॉइंट है, छोटे छोटे जॉबों पर मार्किंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो छोटे छोटे जॉब है उन पर अगर मार्किंग करनी है तो उनको हम सरफेस प्लेट पे रखकर मार्किंग का कार्य संपन्न करा सकते हैं। मार्किंग करते समय मार्किंग सरफेस प्लेट को रेफरेंस लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, मतलब जब आप किसी भी जॉब की सरफेस प्लेट के ऊपर रख के मार्किंग करेंगे तो जो रेफरेंस लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, मार्किंग सरफेस प्लेट से रेफरेंस लिया जाएगा, जिससे आपकी मार्किंग की एक्यूरेसी बराबर बनी रहेगी। सरफेस प्लेट जो होती है कास्ट आयरन, ग्रेनाइट, ग्लास या ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। सरफेस प्लेट का जो मटेरियल होता है वो कैसे बनी होती है, तो सरफेस प्लेट आपकी कास्ट आयरन की भी बनी होती है, ग्रेनाइट की भी बनी होती है, ग्लास की भी बनी रहती है या ब्रॉन्ज की भी बनाई जाती है। अगला आपका जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है,
नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब ये कई चीजों से मिलकर बना हुआ है, कई चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट मतलब इसका प्रयोग एक जॉब पर किए हुए विभिन्न ऑपरेशनों की जांच तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जॉब पर किए हुए विभिन्न ऑपरेशन, जॉब पर जितने भी ऑपरेशन करते हैं उनकी जांच करनी है हमको या मार्किंग करनी है तो इसका यूज हम कर सकते हैं। इसकी बनावट में एक रूल, एक स्क्वायर हेड तथा एक सेंटर हेड और एक आपका प्रोटेक्टर हेड होता है। जैसे आप अगर इस फिगर में आकर, हम फिगर में आके बात करें, यहाँ पर देखें तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी बनावट में एक रूल, रूल का मतलब क्या है, ये जो बना हुआ ये है जिस पर ये तीनों माउंटेड हैं, लगे हुए हैं, सेट किए गए हैं, ये क्या है आपका रूल है। इस रूल पे क्या है, एमएम और सेंटीमीटर इंचेस की डिविजन्स रहते हैं, इससे हम मार्किंग के लिए देखते रहते हैं कितने पर करनी है, कितने एमएम करनी है, कितने सेंटीमीटर पर करनी है या कितने इंचेस पर करनी है। दूसरा आपका ये हो गया रूल की बात। दूसरा क्या है, स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड कौन सा है, ये जो आपका यहाँ ये इधर लगा हुआ है दिख रहा है आपका इस कॉर्नर पे, ये जो बना हुआ है ये क्या है, इसको स्क्वायर हेड कहते हैं। तो स्क्वायर हेड का मतलब क्या है, स्क्वायर हेड से ही पता ही चल रहा है, स्क्वायर हेड है तो मतलब 90 डिग्री। अब ये आप तीसरा जो हो गया आपका क्या है, ये सेंटर हेड, ये जो आपका इधर बना हुआ है यहाँ पर ये और ऐसे, ये क्या है आपका सेंटर हेड है। सेंटर हेड या इसका काम क्या करते हैं, सेंटर हेड जो यहाँ पे बना हुआ है इसे किसी अगर गोल जॉब है तो उसका सेंटर भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हेड, जो कि ये देखो स्क्रू से यहाँ पे क्या किया गया है, क्लैंप किया हुआ है यहाँ पे, और आपका स्क्वायर हेड भी क्या है, ये सब स्क्रू से आपके क्या है, क्लैंप है। अगला इसमें जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है आपका, प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये जो ये है ये बीच में पार्ट लगा हुआ है, ये क्या है आपका प्रोटेक्टर हेड। यहाँ पे क्या है, डिग्रीज के डिवीजन बने हुए हैं, यहाँ पे ये सब डिग्रीज के डिवीजन बने हुए हैं और इसको भी ये स्क्रू के द्वारा क्लैंप किया हुआ है। किस पे, रूल जो है हमारा, रूल पे क्या हुआ है, क्लैंप किया हुआ है। यहाँ इसकी सहायता किसके करते हैं, किसी भी एंगल पर मार्किंग करने के लिए या उस चेक करने के लिए कि वो मार्किंग जितने एंगल पर हमने की है वो इतने एंगल पर है कि नहीं है, मतलब ये मार्किंग करने के लिए और चेक करने के लिए भी हम कर सकते हैं। इस सेट का प्रयोग स्टील रूल की तरह किसी कोण की मार्किंग और चेकिंग के लिए या किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। मतलब चेकिंग करनी है तब भी यूज कर सकते हैं, मार्किंग करनी है तब भी यूज कर सकते हैं, और किसी गोल जॉब का सेंटर निकालना है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए, तो आप सेंटर हेड से गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है, कॉम्बिनेशन सेट का साइज उसके रूल या ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कॉम्बिनेशन सेट में जो है उसका साइज कहाँ से लिया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सेट का साइज जो लिया जाता है वो लगे हुए उसमें रूल जो लगा होता है उसकी ब्लेड की लंबाई से, या जो रूल लगा हुआ है रूल की लंबाई भी कह सकते हैं या ब्लेड की लंबाई, जितना होगा वही उसका क्या होगा, साइज होगा। जैसे कॉम्बिनेशन सेट 300 मिलीमीटर, एग्जाम्पल जैसे आप ब्लेड की लंबाई क्या है 300 मिलीमीटर रहेगा, तो कॉम्बिनेशन सेट किस साइज का हो जाएगा, 300 मिलीमीटर साइज का होगा। प्रशिक्षण का सारांश, आज हमने क्या क्या पढ़ा, मार्किंग के बारे में हमने पढ़ा, मार्किंग क्या होती है और क्यों जरूरी होती है, फिर विभिन्न मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़े,
जैसे स्क्राइबर पहला, दूसरा डिवाइडर, ट्रेमल, पंच हो गया, सरफेस गेज हो गया, एंगल प्लेट हो गई आपकी, सरफेस प्लेट हो गई आपकी, कॉम्बिनेशन सेट हो गया। तो एक एक करके हमने सारे मार्किंग टूल्स के बारे में आपको जानकारी दी। प्रयुक्त संदर्भ में क्या है आपका, फिटर ट्रेड थ्योरी है आपकी, निम्मी पब्लिकेशन की एनएसक्यू लेवल 5 की, फिटिंग सिद्धांत बलबीर सिंह टीएमएच पब्लिकेशन की, फिटर शॉप प्रीतम ठाकुर रॉयल पब्लिकेशन की, इनसे हमने रेफरेंस लिया है। और अधिक जानकारी के लिए आप इन बुकों को रेफर कर सकते हैं। आज मैंने मार्किंग एवं मार्किंग टूल पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।